वर्ल्ड वाइड लिसनर्स, रिस्पेक्टेड लिसनर्स, गुड मॉर्निंग। नीड ऑफ टाइम, समय की जरूरत है समाधान खोजा जाए। कारण ढूंढा जाए और समाधान खोजा जाए, तो पहले कारण पर चर्चा कर ली जाए और किसी बुराई के उत्पन्न होने के कारणों का ठीक से अगर विश्लेषण कर लिया जाए, एनालिसिस कर लिया जाए, कॉजेज ऑफ डिफॉल्ट, तो काफ़ी आसान हो जाता है उस बीमारी को ख़त्म करना, उस अपराध को ख़त्म करना। विकासशील देशों में और विकसित देशों में एक अंतर आ गया। विकसित देशों को उस खुली व्यवस्था है, यहाँ तक कि ओपन सेक्स, वह इतनी समस्या नहीं है। बंद संस्कृति, क्लोज कल्चर के देश इस तरह के घिनौने अपराध को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसकी परिणति हत्या और कई हत्याओं के रूप में भी कई बार देखने को मिलती है। हमें यहाँ बड़ी संजीदगी से चलना होगा। सिर्फ अखबारों की कतरने पढ़ने से काम नहीं चलेगा। विकसित देशों में अलग प्रकार के संगठन हैं। हमारे यहाँ आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, इसके लिए महिलाओं को स्वयं महिला लीग बनानी पड़ेगी। जो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, महिलाओं को मर्दों से अलग जाना होगा, पढ़ने में, रहने में, राजनीति करने में। टीचर द्वारा प्रलोभन दिखाना, राजनीतिक क्षेत्र में संपर्क में पद का लालच दिखाना कि आपको विधायक और सांसद का टिकट देकर मंत्री बनाया जाएगा, हारने पर भी आपको सम्मानित पद दिया जाएगा, इस तरह उनकी चर्चाएं और सोशल चक्कर लंबे समय से चल रहा है। बाहर कुछ चर्चाएं पाती हैं, ड्रोन और बहकाना तेजी से बढ़ा है। इस तरह की बहादुर महिलाएं जो या बालिकाएं जो बाहर आती हैं, उनको सरकार भारी भरकम सम्मान दे। राजस्थान राज्य, भारत के राजस्थान राज्य में एक शिक्षक द्वारा मार्क्स का लोभ देना मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। शिक्षण व्यवस्था में 4, 14, 24 और 44 किसको दिए गए, किस आधार पर दिए जाते रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था लोगों के हाथों से छीन ली जाए तो कैसी रहे, सरलीकरण और सुगमता कैसे की जाए, सिंप्लीफिकेशन एंड इजी एक्सेस, तो बातें बढ़ाई जाए। और मैं सबसे पहले आज यही कहूँगा, कल भी मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग की ज़रूरत नहीं इस देश को, न हिंदू लीग की ज़रूरत है, न सिख लीग की ज़रूरत है। पुरानी कहावत थी हमारे समाज की कि बहन बेटियाँ सबकी होती हैं, उनको जाति और धर्म से ऊपर देखा जाए। हम देखेंगे, हमारी सोच रही है। छोटी किस्म की मानसिकता के लोग, टुच्ची किस्म की मानसिकता के लोग, इन्फेरियर मेंटल स्टेटस मेंटलिटी के लोग बकवास फैलाते रहें, उनसे मिलने वाले नहीं हैं। हमारी थोड़ी वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे और पहले भारतीय स्तर पर भी मैं कहूँगा कि
ये चैनल उसी दिशा में ले जा रहा है, महिलाओं को, महिला विश्वविद्यालय की नज़र भी बताई थी, वहाँ जो प्रयास चल रहा है, महिला लीग भी इसका एक हिस्सा है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करना, मैंने पहले कहा था, डॉक्टर मुकेश, महबूबा, मायावती, ममता, मेनका और प्रियंका सोनिया। प्रियंका सोनिया से विशेष रूप से मैं कहूँगा, यदि तो कांग्रेस पार्टी को अगर वहाँ राजनीति करनी है तो पूर्ण रूप से उसे महिला लीग में तब्दील कर दे। जितने भाई बैठे हैं इधर उधर इन सबको अलग करो। सुनीता गहलोत, बबीता गहलोत ऐसी चाहिए हमें, और नहीं तो आप वास्तव में अगर महिलाओं के साथ काम करना चाहती हैं तो या तो उसे महिला लीग में बदलें कांग्रेस को, और लीग में नहीं तो आप यहाँ आ जाइए। सिर्फ महिलाओं द्वारा निर्देशित और संचालित संगठन महिला लीग देश की महिलाओं को राजनीतिक दिशा देने के लिए, उनके सम्मान और उनकी चरित्र की रक्षा करने के लिए। ये चैनल महिला विश्वविद्यालय तरफ पर महिला लीग एक राजनीतिक दल का गठन करने के लिए जा रहा है। प्रियंका गांधी जितनी राजनीति तो आजकल छोटी छोटी लड़कियां जानती हैं जो यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ प्रियंका को, महबूबा को, और मायावती और मेनका और ममता को, उन जितनी राजनीति में तो छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं वो सीख गई, उनका डरा अलग था कि इस दौर में पली बड़ी कैसे बड़ी। कुछ नेताओं को तो मैं नाम नहीं लेता, ऐसे परिवारों से आई हुई हैं, उनको पता नहीं उसमें जूता नहीं पहनना था। कहते हैं जूते उनकी पार्टी का राष्ट्रीय महासी पहना था उनको कि बेटी तुम चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारा परिवार का बहुत पुराना सेवक हूँ और मैं जूता पहनाऊंगा था। अपना जूता पहन कर नहीं चलना था, जैसे लखनऊ के नवाब के बारे में कहा जाता था कि बदमाश पिट कर माना, अंग्रेज मारने आगे जूता पहनाने वाला दूसरा खड़ा नहीं मिला तो वहीं दुश्मन ने मार डाला, खड़ा नहीं हुआ अपनी चारपाई से। तो इस तरह ये कहूँगा, इस तरह की मानसिकता और संस्कृति वालियों की यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है जो बेकार में चौचले फेंकें। नहीं कि भाषा जानती, न संस्कृति जानती, और न है कि राजनीति जानती। महिला लीग विश्वविद्यालय छात्राओं, सम्मानित शिक्षिकाओं, सम्मानित पत्रकारों, पत्रकारिता जो कार्य कर रही हैं, सभी महिला चैनल पर आज मैंने पहले कहा था, इस सुबह में ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि आपकी रक्षार्थ डॉक्टर मुकेश द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जिस तरह राकेश टिकैत ने अपनी किसानी नेतृत्व का दम जो सिद्ध किया है, किसान हंस रहे हैं राजस्थान तक कि अब हम भी लेंगे मुफ्त बिजली, जोश भरा है इस पूरे देश के लोगों में कि किसानों को कुछ मिले। चलो उसके किसान राज्य अपनी जगह वो बात हम नहीं करें, सभी संगठन अपनी मांग करते रहे हैं, परंतु महिला लीग अपनी दिशा में काम शुरू कर दे और कर चुकी है। अधिक से अधिक महिला चैनल पाएँ, बिल्कुल एक सुरक्षित और संरक्षित व्यवस्था देश की महिलाओं को, और सिर्फ नारेबाजों से नहीं। कहते हैं बदमाश और ठग ज़्यादा मीठा होता है, मधुर वाणी वाला होता है, मैं इनके फर्जी भाषणों में विश्वास नहीं करना है। किसी के बहन कहने से को भाई नहीं बन जाता है, चोर और डाकू बोल देता है। तो मैं पुनः कहूँगा भारतीय समाज और भारतीय महिलाओं को कि आप चैनल पर एकजुट हों और महिला लीग के लिए डॉक्टर मुकेश नेतृत्व में खड़ी हैं, और ये एक मैच फॉर पॉलिटिक्स, महिला लीग के नेतृत्व के लिए मुकेश का और डॉक्टर मुकेश उनका कंपटीशन है। महबूबा, मायावती, मेनका, प्रियंका, सोनिया, शीला जितनी भी हैं ये आ जाए,
इनका एक राजनीति का कुश्ती मैच भी होगा कि ये वास्तविक राजनीति समझ रखती हैं, इनको ऐसी हैसियत दी जा रही है, तो जल्दी आएँ और अपने अपने नेतृत्व भी जल्दी चुन लें। धन्यवाद।